तो आपको एक लिंक ओपन होगा, ये देखिए थोड़ा सा इसका अभी इसका आया ही है तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है। तो वहाँ से एक लिंक ओपन होगा, आपको लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक IBPS की साइट ओपन होगी, वहाँ पे आपकी इंग्लिश या हिंदी आपको चूज़ करना पड़ेगा, फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें डालने पड़ेंगे, एंड देन आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर आपको डालनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न रहेगा, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो कि 3 जनवरी 1995 है, ये समझ लो 3 जनवरी 1995 है, तो आपको इस पैटर्न में डालनी, मैं बता देता हूँ। 03, पहले आप 03 टाइप कीजिए उसके अंदर, क्योंकि इसमें यही फॉर्मेट होगा। अगर 3 है तो आप 03, उसके बाद में जो आपकी लैपटॉप में माइनस साइन होता है उस माइनस वाले साइन को दबाइए, देन जनवरी तो 01, एंड देन आपकी जो जैसे कि 95 है तो उसमें 19995 नहीं करना है, केवल 95 आप उसमें ऐड कर दीजिए, ओनली 95, और बीच में पहले वो माइनस वाला साइन आपको डेट मंथ और ईयर के बीच में लगाना ही लगाना है। वो लगाने के बाद में आपको फिर जो उसका कैप्चा वो उस पर कैप्चा पे क्लिक करना है, और कैप्चा पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे दिख जाएगा। फिर आप उसके राइट कॉर्नर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ ये देखिए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट खुल चुकी है। तो अब और इसके देखो आपके राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा क्लिक टू प्रिंट, वहाँ से प्रिंट करना है। देखो ये मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ तो इसके अंदर ये खुलेगा नहीं, तो यहाँ से आपको ये खुलोगे तो ये लिंक मिल जाएगा, तो इस पर अगर क्लिक करोगे तो ये देखो योर डिवाइस इज़ नॉट अलाउड टू एसेस दिस पेज, क्योंकि अगर आप मोबाइल में ओपन करोगे ये खुलेगा नहीं, तो आप इसको लैपटॉप में ही ओपन कीजिए। और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम 3.30.0, सफारी, ये वाले इसमें कर अपन में कर सकते हैं, तो आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको दिक्कत कहाँ आएगी, तो उसका मैं पैटर्न बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। देखो पैटर्न आपका जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी है ना, तो 03, और यहाँ पे ये माइनस का साइन होगा अपने लैपटॉप से दबा सकते हो, फिर 01 जनवरी है, देन आपको 95 है, तो आपको ऐसे 99 और 5 ऐसे ही आपको इस पैटर्न में आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। नीचे आपके पास कैप्चा होगा, वो कैप्चर डाल देना, ऊपर आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने मोबाइल फ़ोन में उसको सर्च कर सकते हैं, आपके पास आया होगा। आप मैसेज में डाके RBI सर्च करें, RBI से आप सर्च करोगे तो आपके पास एक मैसेज दिख जाएगा आपके मोबाइल के अंदर, तो वहाँ से आप अपने प्रोविजनल नंबर हैं जो या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं आपके वो डाल सकते हो। वो डालने के बाद आपको ये मिल जाएंगे आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया गाइस, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखे हुए, आज ये भी इसका एडमिट कार्ड आया गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू MAHINDU SHALA। थैंक यू वेरी मच।